नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त को बॉन्ड एंड ज्वाइंट डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरुआत कर दिया है। आज इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी मेरे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह डे को खास रूप से क्यों मनाया जाता है, बॉन एंड ज्वाइंट डे क्या है, और साथ ही हम इसी सिलसिले से जुड़े कई सारे सवाल भी करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पे हैं, साथ ही शहर में कोरोना काल में आप आगे आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपकी ये जो कार्य है सराहनीय है, प्रशंसनीय है सर। लेकिन आज विशेष रूप से 4 अगस्त है और इस दिन को जो है बॉन एंड ज्वाइंट डे के रूप में मनाया जाता है। सर, सबसे पहले क्या है ये डे, आज का दिन? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँ कि आपने इस कार्यक्रम को लोगों में जन जन में पहुंचाने के लिए जो ये आपने शुरुआत की है, जो ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम चिकित्सक भी समाज के अंग हैं और इस बात से हम अपने को समझते हैं कि समाज के प्रति हमारा अपना दायित्व है। इन दायित्वों की पूर्ति के लिए हम लोग समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। ये 1212 ईस्वी में हमारे तत्कालीन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, जो राजशेखरन साहब थे, बहुत नामी आदमी हैं, उन्होंने इस डे की कल्पना की कि हम लोग एक दिन ऐसा रखें जिसमें कि जनता की भागीदारी हो और हम जनता के बीच में ज़रूर जाएं और उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करें। इसके लिए बोन एंड ज्वाइंट डे की परिकल्पना की गई। हर वर्ष उसमें हमारे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक थीम देते हैं और इस बार का थीम है अपक्षय रोगों में विकृति से कैसे बचाव किया जाए। और इस आशय के साथ हम जनता के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जब बात आती है हड्डी की, बोन एंड ज्वाइंट डे आज भी है और बात हड्डी की आती है तो अपक्षय रोग जो है सामने आता है। सर, अपक्षय रोग को विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसका बचाव क्या है इस रोग से। अगर कोई जो है हड्डी से टेढ़े हैं, वो आगे झुक गए हैं या पैर उनका टेढ़ा है, तो क्या वो ठीक हो सकता है या तो फिर क्या उससे पहले भी बचा जा सकता है? अपक्षय रोग क्या है? अपक्षय रोग है ऐसे रोग जिनको हम साधारण भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह के जो रोग होते हैं उनको अपक्षय रोग कहते हैं, जो हमारे जोड़ों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें घिस देते हैं, उन्हें काम के लायक नहीं रहने देते हैं। कॉमन भाषा में वात रोग बोलते हैं, गठियावात। गठियावात जो है ये हर कोई जानता है कि गठियावात होने के बाद आदमी अपंग हो जाता है। अपंग क्यों होता है? अपंग इसलिए हो जाता है कि ये गठियावात उनके हड्डी के जोड़ों को ख़राब कर देता है और जब ख़राब कर देता है तो उसमें लंगड़ाहट आ जाएगी। अगर रीढ़ में हो गया है तो आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बिल्कुल आगे की तरफ झुक कर चलते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। अगर समय पर वो सावधान होते और समय पर उन्होंने अपना ध्यान रखा होता, मैं इलाज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखा होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनको ये बताएं भी, जैसा कि आपने कहा कि उससे बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सर, जो लोग ग्रसित हैं वो तो खैर उनसे लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो इस रोग के शिकार ना हो, इसके बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, सो इसमें दो पॉइंट है। नंबर एक है बचाव। तो बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बचाव के लिए सबसे आसान है अपने शारीरिक वजन को कम रखना होगा, संतुलित रखना होगा, क्योंकि जो जोड़ हैं वो एक सीमा तक, एक लिमिट तक वजन को सह सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरह से मैं समझाता हूँ कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप बहुत आसानी से चलते फिरते रहेंगे, और अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप ऐसा समझिए कि आप अपने शरीर पर 20 किलो का एक वजन डालकर प्रतिदिन चल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो ये 20 किलो का वजन आप लेकर देखें कितनी परेशानी होगी। तो इस वजन को न बढ़ने देना,
दूसरा है खान पान में संतुलन, संतुलित आहार। संतुलित आहार होगा तो हमारे हड्डी, हमारी हड्डी मजबूत होगी, हमारे ज्वाइंट मजबूत होंगे, घिसेंगे कम। इसके अलावे हम लोग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, जो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ काम करते हैं, बहुत बड़ा लोड लेकर चलते हैं, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दौड़ते हैं और इस तरह से अपने जोड़ पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, इस दबाव को देने से हमारा जोड़ घिस जाता है और हम अपक्षयी रोगों का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मैं बात करूं, लोग सोचते हैं कि जितने भी इस तरह के अपक्षयी रोग हैं वो एक उम्र होने के बाद होते हैं, ऐसा सच नहीं है। यह सच नहीं है, बच्चों में भी होता है और जब बच्चों में होता है तो इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बच्चों में जब दर्द होता है तो लोग सोचते हैं कैल्शियम की कमी होगी, ये होगा वो होगा और उसको निग्लेक्ट करते हैं। ऐसा निग्लिजेंस बाद में उस बच्चे के लिए अभिशाप हो जाता है और वो विकृति में फंस जाता है। दूसरा है कि अगर अपक्षयी रोग हो ही गया है तो उसमें हम लोग व्यायाम करें, उसमें अपने मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए जो योगासन है, योगाभ्यास है, उसे करें और अगर संभव हो तो ब्रेसेस का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर से नी ज्वाइंट में। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जो हम लोगों का दैनिक कार्यक्रम है उसमें हम लोग स्क्वैटिंग करते हैं, चुकुमुकु बैठते हैं। इस चुकुमुकु बैठने से, स्क्वैटिंग करने से हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, तो इन खराब घुटनों को बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करें। और ब्रेसेस जो हमारा वज़न जो एक सीमा में एक लाइन से जाता है और इस अपक्षयी रोगों में वो उस जगह से खिसक जाता है, उसको फिर से हम लोग उस लाइन पर लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जोड़ खराब नहीं हो। इसलिए मेरा संदेश होगा बिहार की जनता से, भागलपुर की भी जनता से और बिहार की जनता से खास तौर से, कि इसलिए होगा कि जो अपक्षयी रोग हैं उनसे बचाव के लिए हम लोग सावधान हो जाएं और किसी भी तरह की कोई अगर परेशानी है तो उसको निग्लेक्ट नहीं करें। बच्चों में भी अगर कोई तकलीफ है तो उसे निग्लेक्ट नहीं करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपक्षयी रोगों में जो विकृति होती है उससे बच पाएंगे। सर आज तो आप बरसों से सिल्क सिटी में पदस्थापित हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और आज सिल्क टीवी पर भी हैं, सर क्या संदेश रहेगा मनोज कुमार चौधरी का लोगों के लिए? संदेश होगा कि वो किसी भी तरह का कोई अपक्षयी रोग का अगर उन्हें अंदेशा होता है तो उसे निग्लेक्ट नहीं करें और उसे चिकित्सक के पास या अन्य लोगों से सलाह लेकर अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, योगाभ्यास करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है योगाभ्यास करें, बैलेंस डाइट खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो आज हमारे साथ थे बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और शहर के चर्चित जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी सर। और हम आपको बता दें कि मनोज कुमार चौधरी सर कोरोना काल में ये फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे थे और अभी भी ये अपनी सेवा दे रहे हैं और इनकी जो ये कार्य है बिल्कुल प्रशंसनीय है। और व्यक्तिगत रूप से हम भी सर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपका जो ये काल रहा है कोरोना काल में ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सर थे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।